गाइस, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं आ चुका हूँ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है, तो मैं आया हूँ अपने भाई के साथ, अभिषेक, जिसको आप जानते ही होंगे। तो भाई, ये जर्नी भाई मुझे करा रहा है। तो अब ये जर्नी करते अभी चलेंगे प्लेटफॉर्म पे, आपको दिखाएंगे कौन सी ट्रेन और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इतना मैंने बता दिया कि दिल्ली के स्टेशन पे आ चुके हैं। तो चलो, अब सीधा ज्यादा बात नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, मिलेंगे सीधा प्लेटफॉर्म पे। एक ताबड़तोड़ जर्नी की शुरुआत करेंगे। आ चुके हैं दिल्ली गेंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और आज हमारी ट्रेन का नाम है चेतक एक्सप्रेस, जिसमें हम दिल्ली गेंट से लेकर अजमेर तक जर्नी करने वाले हैं। और डिस्टेंस हम कवर करेंगे 373 किलोमीटर का। और ये ट्रेन चलती है दिल्ली शहरोला से उदयपुर सिटी के बीच। ऐसे चलने का टाइम है 7:52 पर, और हम लोग अजमेर पहुंच जाएंगे रात को 1:55 पर। और ये एक ICF ट्रेन है, तो इसकी मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड होगी 110 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड होगी इसकी 55 किलोमीटर पर आवर की। तो अब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा स्टेशन के स्किप्स दिखाऊंगा और रिलैक्सिंग ICF ट्रैक साउंड दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना अगर आपको अच्छे ट्रैक साउंड सुनने हैं क्लियर वॉइस के साथ। वैसे ये है हमारी चेतक एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20473, जो कि WAP-5 के साथ आ रही है। कोच है SE3 मतलब S3 जैसे होता है, तो ये SE का मतलब हो गया S extra 3, इनका राइवल हो गया है। और जैसा मैंने आपको बताया SE3 में हमारी जर्नी होने वाली है, SE का मतलब S extra 3। सो गाइस, हमारा हो गया सिग्नल, जब यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप था, और पूरे टाइम पे आई है 7:50 पे और 7:52 पे चल रही है, और इसका पहला हॉल था। अगला स्टॉप हमारा गुड़गांव आने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरुआत, #भैया चले रफ्तार से। हो गया टाइम, #चले रफ्तार से शुरुआत। ICF 110। छोटा गेट है ये वाला, कोई नहीं, अभी मैनेज। तो चलिए दिल्ली के एंड को करते हैं, बाय बाय, देते हैं डिपार्चर। गाड़ी लोकल काफी रुक के जाती है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा भीड़ है। चलो जी, बाय बाय दिल्ली के एंड।
सो गाइस आपने जो भी क्रॉसिंग देखी वो थी 12413 अजमेर जम्मू तवी पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि अजमेर से चलकर जम्मू तवी की ओर जाती है। तो इस टाइम वो दिल्ली की ओर जा रही है और अपना डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है जम्मू तवी, और ये जम्मू के रूट की मेरी फेवरेट ट्रेन है। तो कैसी लगी आपको क्रॉसिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। EMD और 110 की स्पीड में गई थी, तो बताना जरूर कैसी लगी। जा रहे हो?
चुके रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RE। हमारी ट्रेन ने यहाँ पे हमें 6 मिनट लेट पहुँचाया है और ये आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर। तो चलिए मैं आपको सीधे ट्रेन का डिपार्चर दिखाता हूँ। और यहाँ तक हमने कवर कर लिया 76 किलोमीटर।
तो ट्रेन चलेगी तो वैसी हवा चलेगी। हम लोग अब पहुंच चुके हैं निमका थाना रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NMK। और दिल्ली से यहां तक हम लोगों ने 176 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं सीधे यहां से निमका थाना से डिपार्चर। सो गाइस, हमारी ट्रेन ने डिपार्चर स्टार्ट कर दिया है निमका थाना रेलवे स्टेशन से। गाइस, सामने जहाँ तक ये जो ट्रैक्स हैं, मेरे को लगता है ये WDFC है, यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, बट नॉट श्योर, कुछ श्योर नहीं है, बट जहाँ तक मेरे को लगता है फ्लाइट कॉरिडोर ही है। बाकी मैं चेक करके आपको जब वीडियो के एडिटिंग के टाइम बता दूंगा, स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा कि ये सच में फ्लाइट कॉरिडोर है यानी, बट जहाँ तक मेरे को लगता है मैं 90% श्योर कह सकता हूँ कि ये WDFC है। तो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं श्री माधोपुर। अब गेट पूरे पैक हैं, गेट के सामने लोगों का सामान रखा हुआ है, गेट खोल ही नहीं सकते, तो इसलिए मैं प्लेटफॉर्म साइड से अराइवल नहीं दिखा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे उतर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट कोच का भी गेट है वहाँ भी सामान इतना है लोगों का कि गेट बंद है। तो आप लोग यहीं से अराइवल देख लीजिए, अब डिपार्चर भी यहीं से दिखाऊंगा मैं। श्री माधोपुर, इसका स्टेशन कोड है SMPR। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है, बट हमारी ट्रेन अभी 12 मिनट लेट है, तो अब यहाँ पे 2 मिनट रुक के फिर ट्रेन चलेगी। सो हम लोग पहुंच गए श्री माधोपुर रेलवे स्टेशन, और दिल्ली चलने के बाद हमारा 9th हॉल्ट है, और यहाँ तक हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 216 किलोमीटर का, 216 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। इसलिए मैं आपको यहाँ से जो है ट्रेन का डिपार्चर दिखाता हूँ। सो 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन ने डिपार्चर स्टार्ट कर दिया है श्री माधोपुर रेलवे स्टेशन से।
इस गेट अभी भी बंद हो रखे हैं, जो सामान है लोगों का। तो हम लोग पहुंच गए रिंगस रेलवे स्टेशन, रिंगस जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RGS। तो ट्रेन का यहाँ पहुँचने का टाइम था 11:25 पे, तो 3 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचे 11:28 पे। तो यहाँ पे हमारा 3 मिनट का होल्ड था, तो आगे से ट्रेन क्लियर है। अब देखो हमारी ट्रेन कब चलती है। यहाँ तक ट्रेन ने डिस्टेंस कवर कर लिया है 226 किलोमीटर का, और दिल्ली से अरेला चलने के बाद यह इस ट्रेन का 10वां होल्ड है। तो चलिए अब मैं आपको सीधा रिंगस से डिपार्चर दिखाता हूँ। सो 3 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन ने डिपार्चर स्टार्ट कर दिया है रिंगस जंक्शन से। यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं, आधी से ज़्यादा ट्रेन यहीं पे खाली हो गई है। ट्रेन ने यहाँ पे अराइवल भी बहुत तेज लिया, तो पिकअप भी आप देख सकते हैं गाइस। और आगे ग्रीन और रेड सिग्नल्स कितने सुंदर लग रहे हैं रात में देखने में। हम लोग पहुंच गए रेनवेल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RNW। हमें मिलेगी डाउन एक्सप्रेस, जो कि उदयपुर से दिल्ली और जा रही है, उसका रोशन दिखाते हैं। फिर हम वॉश करेंगे
नहीं यार कोई ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन है तो हम देख के बताते कौन सी गाड़ी है। आश्रम एक्सप्रेस ये भी दो ट्रेन को एक शेयर कर रही है मंडोर एक्सप्रेस को और ये आश्रम इसकी वजह से हम रुक गए यार वाला आप भी सेट पर चलो अच्छा है ना
पहुंच चुके हैं किशनगढ़ रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KSG। तो हमारी ट्रेन ने यहाँ पर टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचा दिया है। दिल्ली से 12 होल्ट है हमारा यहाँ पर। तो गाइस सामने देखिए, पीछे से मेरे फ्लाइट ट्रेन जा रही है जो कि डेडिकेटेड फ्लाइट को भीड़ हो रहा है, WDFC। आप देख सकते हैं फ्लाइट की स्पीड। दिल्ली से यहाँ तक हम लोगों ने 348 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। KSG यहाँ का स्टेशन कोड अब 2 मिनट का होल्ट है। ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट पहले पहुँच चुकी है। ये थी अहमदाबाद से न्यू दिल्ली को जाने वाली स्वर्ण जयंती राजधानी, SJ राजधानी। कैसी लगी इसकी क्रॉसिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब मैं आपको सीधा यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ किशनगढ़ से, तो उसके बाद हम मिलेंगे सीधा अजमेर के अराइवल पे। फाइनली हम लोग अब पहुंच रहे हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन आज की, अजमेर जंक्शन। ट्रेन तो उदयपुर सिटी तक जाएगी बट हमारा सफ़र यहीं तक था, अजमेर। टाइम हो रहा है 1:50, और ट्रेन का यहाँ पहुंचने का टाइम है 1:55। तो वैसे तो हम 5 मिनट पहले पहुंच गए हैं बट प्लेटफॉर्म पर अराइव करते करते 2-3 मिनट और लग जाते हैं। अब सुन सकते हैं हमारे वेब 5 की हॉन्किंग, WAP 5। अजमेर पहुंचते हुए और अजमेर से निकलते हुए आपको ऐसे शानदार कर्व जरूर देखने को मिलेगा। अभी तो अंधेरा है, डे लाइट में आप देखेंगे तो बहुत सुंदर लगता है मोड। इतने अच्छे कर्व लेती है ट्रेन यहाँ से। आप अगर अजमेर से जा रहे हैं आगे की तरफ, जयपुर की तरफ अगर आप जाएंगे तो राइट साइड को ट्रेन कर्व लेती है। अभी अंधेरा था इसलिए मैंने लेफ्ट साइड से आपको दिखाया नहीं लेफ्ट कर्व। वापसी वाली जिस ट्रेन से मैं जाऊँगा उसमें आपको जरूर दिखाऊँगा कर्व। अब यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी है WDP 4D के साथ, मैं बताता हूँ कौन सी ट्रेन है ये। ये है अजमेर बांद्रा टर्मिनस। और यहाँ पे मिडल में एक और EMD खड़ा है WDP 4D। देखते हैं उसके साथ भी कोई ट्रेन है या फिर नहीं। Thank you.
में कोई भी बोर्ड नहीं लगा है तो इसलिए पता नहीं कौन सी ट्रेन है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा प्लेटफॉर्म पे। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AII, और हमने यहां तक दिल्ली से 373 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव दिखाता हूं दोबारा से, आपको मैंने दिल्ली के एंड पे भी दिखाया था, और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। सो यहाँ पर चेतक एक्सप्रेस का आपको मैं डिपार्चर दिखा रहा था, और चेन पुल हो गया था, तो अब चेन पुलिंग के बाद ट्रेन फिर से चली है। अच्छा भला ट्रेन ने पिकअप उठा लिया था, बट ये चेन पुल हो गई, इसी वजह से ट्रेन को रुकना पड़ा, और अब ट्रेन फाइनली अपना डिपार्चर लेते हुए अजमेर से। बाय बाय चेतक एक्सप्रेस। गाइस फाइनली अब जर्नी को एंड करने का टाइम आ चुका है, हम लोग दिल्ली के एंड से लेके अजमेर पहुंच चुके हैं। आपको मैंने दिखाया था अपनी चेतक एक्सप्रेस का डिपार्चर, और पीछे आप लोग जो ट्रेन देख रहे हैं ये है नई दिल्ली अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस, जो न्यू दिल्ली चलकर अहमदाबाद की तरफ जा रही है। तो अब मैं आपको चेतक एक्सप्रेस की जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मुझे जर्नी काफ़ी अच्छी लगी, ट्रेन बहुत अच्छी है, और जयपुर वाले रूट के हिसाब से ये वाला रूट छोटा था, इसलिए थोड़ा कम टाइम लिया इस ट्रेन ने, बाकी अच्छी थी। ट्रेन की साफ़ सफाई भी अच्छी थी, इसका कोच बिल्कुल मेंटेन था, ट्रेन टाइम पे चली है, अगर 10-15 मिनट लेट भी हुई तो टाइम कवर भी किया, तो बहुत अच्छी जर्नी लगी मुझे। आपने भी मेरे साथ इस सफर को एंजॉय किया, आपको भी मजा आया इस जर्नी में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नई आने वाली जर्नी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों एंड गुड नाइट।